झारखंड राज्य न्यास बोर्ड समिति के सभी सदस्यों के द्वारा मां भद्रकाली प्रांगण में बैठक की गई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो नया नवनिर्मित समिति सरकार के द्वारा गठित की गई है, इसके खिलाफ अंचल अधिकारी खोरी, अनुमंडल पदाधिकारी चतरा के द्वारा जो दोमुखी रवैया अपनाया जा रहा है, न तो प्रबंधन समिति के द्वारा अंचल अधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा न्यास बोर्ड को के अधिकार क्षेत्र में कटौती की जा रही है, चार्ज नहीं दी जा रही है, जिसके कारण मंदिर के राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस मंदिर के राजस्व को नुकसान से बचाने के लिए यह बैठक किया गया है और समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कल दिनांक 1/10/2023 से न्यास बोर्ड समिति के सदस्यों के द्वारा राजस्व को बचाने के लिए रसीद काटी जाएगी और जो भी पदाधिकारी या अधिकारी इस बीच में आएंगे तो उसे बैठक करके इस जो राजस्व हानि हो रहा है उसको रोकने का काम करेगी, ताकि मंदिर का नुकसान बचाया जा सके। माननीय श्रम मंत्री झारखंड सरकार के द्वारा यह कहा गया, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दूरभाष पे, अंचल अधिकारी को भी दूरभाष पर यह बोला गया कि सरकार के आदेश को पालन करना है, इसलिए न्यास बोर्ड समिति को अधिकार क्षेत्र दिया जाए। 5 दिनों से अंचल अधिकारी, सहसचिव इट मां भद्रकाली मंदिर इटखोरी और अनुमंडल पदाधिकारी सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति के ढोलमूल रवैया के चलते विगत 5 दिनों से मां भद्रकाली में श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ना किसी प्रकार का वाहन पूजा में श्रद्धालुओं से दान जो देते हैं उनको रसीद, म्यूजियम, चुनरी, किसी प्रकार से मंदिर में जो आय का स्रोत था, इन लोगों के मनमानी के चलते वह बंद हो गया है, जिसके चलते मंदिर को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। हम लोग आज के बैठक में यह निर्णय लिए कि जब सरकार, झारखंड सरकार के द्वारा ही गठित धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा मां भद्रकाली इटखोरी में धार्मिक न्यास समिति का गठन किया गया, तो सरकार के आदेश को सरकार के ही कर्मचारी मनमानी ढंग से उसका अवहेलना कर रहे हैं। इससे हम लोग क्षोभ व्यक्त करते हैं कि जबकि मां भद्रकाली के असीम कृपा से धार्मिक न्यास समिति के अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति बने हैं जिनका ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा का पहचान है और उन्होंने पूर्व में मां भद्रकाली में 1,68,00,000 रुपया के लागत से ईमानदारी पूर्वक काज किए हैं, जो मंदिर में अभी विकास के रूप में दिख रहा है। ऐसे व्यक्ति को अंचल अधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी अवहेलना कह रहे हैं, यह सनातन धर्म का खुल्लम खुला अपमान है। इसलिए हम लोग बैठक के द्वारा इटखोरी प्रखंड एवं समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से आग्रह करते हैं कि ये पदाधिकारी के द्वारा जो मां भद्रकाली में
मनमानी किया जा रहा है, इसको रोकने में सभी श्रद्धालु हम लोग को सहयोग दे और जो गलत कर रहे हैं माँ भद्रकाली उनको अपनी नजर से देखें।